देखिए आप, मैं बना रही हूँ जबरदस्त से ये चिकट छोले बना रही हूँ, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी से बनते हैं। पंजाब के मशहूर चिकट छोले हैं। आप इसे राइस के साथ खाएं, आप इसे नान के साथ खाएं, या आप इसे पराठे के साथ खाएं, हर लिहाज से ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर अस्सलाम दें। वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश्ते वीज। कैसे हैं आप सब? अल्लाह जजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज देखें, चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। इनको मैंने जस्ट इसमें नमक डाल के, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल के और इनको बॉयल कर लिया है। ये देखें अब ये बिल्कुल गले हुए चने हैं। अब बनाते हैं इसका मसाला। अब इस पैन में देखें, तकरीबन मैंने ये देखें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। ये देखें ऑयल हमारा हो गया है हीटअप। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये डालूंगी मैं इसमें। अदरक और लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि इसकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए। अदरक और लहसुन के ऊपर ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मीडियम साइज़ के ये 2 ऑनियन हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूंगी। ऑनियन को भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये इसे देखें, जब तक हमारा ऑनियन कुक होता है तो इसमें से थोड़े से चने मैं ले लेती हूँ। ये देखें बॉयल चने हैं बिल्कुल, ये इस तरह से थोड़े से मैं ये निकाल लूँगी। बॉयल किए हुए आलू इसमें ये डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। चने भी गले हुए हैं, आलू भी गले हुए हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल इनको मैश कर लें। जो कमर्शियली आपको चने मिलते हैं बाहर से, तो वो इसी तरह से उनमें इस तरह से आलू और चनों को इस तरह मैश करके डाला हुआ होता है। ये मीडियम साइज़ का एक आलू था, इसको मैंने बॉयल कर लिया कट करके, ज़रा जल्दी से बॉयल हो जाए इसलिए मैंने इसे कट कर लिया था। अब इस तरह ये पीस लेना है इसको, ये देखें इस तरह से पीस लें। ऑनियन भी हमारा कुक हो गया है, इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया है, तो माशाल्लाह से ये भी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब इसमें ये डाल दूंगी, ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें डाल दूंगी। 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, और ये देख लें कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया, ये डाल दूंगी। मसाले डालते वक्त आपने फ्लेम को लाइट करना है ताकि मसाले जले ना। अब हल्का सा लगाऊंगी इसमें पानी का छींटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जो ड्राई मसाले डाले हैं इनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगी मैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब ये देखें जो आलू और चने मैंने मैश किए थे, अब ये डाल दूंगी इसमें। अब ज़रा मसाले के साथ इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। चिकट छोले बना रही हूँ, पंजाब के फेमस हैं ये। अच्छे से इसकी 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भुनाई कर लूँगी मसालों में। ये बिल्कुल मसाला जो मैश किया वो मैंने इसमें डाले थे आलू और चने, ये अच्छे से भुन चुके हैं 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने इसको ड्राई मसाले में अच्छे से ज़बरदस्त सा भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें बॉयल किए हुए चने हैं, ये डाल दूंगी। 1.5 पाव हमारे चने थे जिसमें से मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने निकाल के मैश कर लिए हैं, और बकाया चने ये इसी तरह से इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई रखेंगे। ये देखें अच्छे से मैंने इसको चनों को भी भून लिया है ज़बरदस्त सा। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े, इस तरह से इलायची को मैंने खोल लिया था, ये डाल दूंगी इसमें। और अब इसमें डाल देंगे पानी। अब ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, सारा फ्लेवर ही इसके अंदर है। अब ये डाल दूंगी इसमें मैं, अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग और तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको कुक करेंगे। कवर लगाने से पहले इस पर ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी 2 पिंच के करीब इसमें खटास डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, ये डाल देंगे। खटास के लिए आमचूर मैंने डाला है। अब इसकी मिक्सिंग करके और इस पर कवर लगा देंगे। 5 मिनट के लिए कवर लगाया है इसको मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखें बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें, ये डाल के इसकी मिक्सिंग करते हैं और फिर इसकी करते हैं डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और क्या इसका टेक्सचर है और बहुत ही लजीज से ये बने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त है, इसका टेक्स्चर देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। आप इसे राइस के साथ खाएं, आप इसे नान के साथ खाएं, इसे पराठे के साथ खाएं, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो ये सी देखें ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर, बहुत ज़्यादा लजीज से ये चिकट छोले बने हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही, सांसों की वफा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।